नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक पर एक कड़े निर्देश दे रहे हैं, जिन निर्देशों की वजह से अब स्कूलों में जो है अब शिक्षकों के साथ साथ बच्चों की उपस्थिति भी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अब बच्चे स्कूल में आने लगे हैं, बच्चों में एक इंटरेस्ट वापस से आ चुका है, बच्चे स्कूल आकर के पढ़ने की इच्छा लिए अब अच्छे तरीके से क्लास कर रहे हैं, तो अब शिक्षकों की कमी हो जा रही है। सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स जो हैं वो अब नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से अब एक बड़ा निर्देश जो है के पाठक ने जारी कर दिया है। के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख करके ये बात कही है कि 1 सितंबर तक सभी सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों को बुलाया जाए। बता दें कि फिलहाल बीपीएससी की तरफ से शिक्षक बहाली को लेकर के परीक्षा ली गई है। 24, 25 और 26 अगस्त को ये परीक्षा हुई है और इसमें 1,70,000 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दिए हैं। लेकिन ये जो बहाली होनी है वो 6 महीने के बाद होनी है। ऐसे में स्कूलों में कैसे शिक्षा व्यवस्था चलेगी, इसे लेकर के बता दें कि के पाठक ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। के पाठक ने साफ कह दिया है कि सभी सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों को बुलाया जाए और 1 सितंबर तक इन गेस्ट टीचरों को बुला लेना है। और इसका आदेश जो है वो जिलाधिकारी को दिया गया है। जिलाधिकारी से ये कहा गया है कि वो गेस्ट टीचरों को बुलाएं और फिर स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो फिर से ठीक करें। और जिस तरीके से के पाठक इस बार कमान संभाले बैठे हैं शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था जो है पहले से काफ़ी दुरुस्त हो पाई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा संभल पाई है, एक बार फिर से पटरी पर शिक्षा व्यवस्था जो कि बिहार की वो आने लगी है। एक बड़ा ऑर्डर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे में अब जो लोग टीचर्स बनने की इच्छा रख रहे थे, अब उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि वो सरकारी स्कूलों में जाकर के पढ़ा सकेंगे और फिर उन्हें भी 6 महीने तक पढ़ाने का या फिर हो सकता है कि वो अवधि जो है बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी शिक्षक बहाली परीक्षा जो हुई है इसमें अभी बहाली में वक्त है। और इस ऐसे में जो गेस्ट टीचर होंगे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। इसलिए जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज पीआर के साथ। We'll be right back.